ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है नूर तेरा तुझ में ही सब है ओ ईश्वर। नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और अभी हम मौजूद हैं एनजीपी में एक वीआईपी सड़क पर। नाम वीआईपी है लेकिन वीआईपी जैसा कुछ भी हमें यहां पर देखने को नहीं मिला है। और इस वीआईपी सड़क की जो बात हमेशा से लोग करते हैं, उस वीआईपी सड़क की जर्जर अवस्था हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे ये कि हमारे ठीक सामने ठीक आप देख सकते हैं थोड़ी सी दूरी पर एक मंदिर है, ठीक उसके बगल पर मस्जिद है। यानी कि एनजीपी में शायद आपका ध्यान इससे पहले कभी केंद्रित हुआ हो या ना हो, लेकिन हम खबर आजकल आपका ये ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि इस समय में, इस वर्तमान समय में भारत में जिस तरीके से हिंदी मुस्लिम को लेकर अलग अलग विवादित बयान और विवादित चीज़ों को दर्शाया जा रहा है, उनके एकताओं में जो दिक्कतें हैं या उनकी जो प्रभाव है उनको तोड़ने के प्रभाव हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन खबर आजकल का हमेशा प्रयास रहता है कि वो हमारा जो देश है अनेकताओं में एकता का देश, उसका प्रतीक हमेशा से बना रहे और हम आपसी संबंध आपसी मित्रता को लेकर ही बात करते हैं। ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं मंदिर, ठीक बगल में मस्जिद। मंदिर मस्जिद का नाम अगर एक साथ लिया जाए तो कितना मीठा शब्द का उल्लेख यहाँ पर होता है। और यही चीज़ हम दिखाएंगे। बहुत अच्छा लगा कि हमारे एनजीपी जहाँ से आप आते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जो है जहाँ से गुजरते हैं, उसके बीच में आप सोचिए जब यहाँ पर जब पूजा होती होगी मंदिर पर, मंदिर की जो है स्वर्ण ध्वनि जब यहाँ पर बसती होगी, स्वर्ण ध्वनि जब यहाँ पर बसती होगी तो किस तरह से यहाँ के लोगों को मनमोहक एक वातावरण पैदा होता होगा। ठीक जब यहाँ पर समय समय पर 5 टाइम का जब अजान बजता होगा तो किस तरीके से यहाँ के लोगों को एक सुकून मिलता होगा। ठीक ऐसे ही विषय को लेकर इस जगह को हमें बहुत खास लगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, ठीक मंदिर मस्जिद के आगे जब हम यहाँ पर पहुँचे और इस रोड के नाम के बारे में हमने जाना तो इसे वीआईपी रोड का नाम दिया गया है। लेकिन वीआईपी जैसा हमें यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं है। जैसे हमने पहले बताया, हम आपको अब उस रोड की अवस्था दिखाते हैं कि क्या वीआईपी रोड का अवस्था है यहाँ पर। आप हमारे सामने यहाँ देख सकते हैं कि जो वीआईपी रोड है, उस वीआईपी रोड की जो असल कहानी है, उस वीआईपी रोड के जो वीआईपी का जो नाम बदनाम हो रहा है उसकी अवस्था हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक रास्ता है जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रक जो है लगातार अपने दिशा से अपने दूसरे दिशा की तरफ जा रही है और इसके सामने किस तरीके से जो है वो यहाँ पर सड़क बनी हुई है। और सिर्फ ट्रकों और बड़े बड़े माल गाड़ियों की ही नहीं बल्कि आम जनता, आम लोगों को यहाँ पे जिस तरीके जो परेशानी यहाँ पर होती है इसे देखने लायक है। हम यहाँ पर यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, कब कब ये समस्या उत्पन्न होती है। हालांकि बारिश का मौसम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर बारिश की जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे देखिए एसजेडीए के कार्यकर्मी जो यहाँ से गुजर रहे हैं और उन्हें भी इस कठिन रास्ताइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति बाइक पर जा रहा है, हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और इस अवस्था के बारे में, क्या इस अवस्था की दुर्दशा के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। लेकिन आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि वीआईपी रोड की क्या कंडीशन है। और ये रोड हमेशा से एनजीपी जाने के लिए यूज़ किया जाता रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कहाँ क्या नाम है, कहाँ से हैं वो। दादा क्या नाम है, आप कहाँ से हैं जी? मेरा मोहम्मद जी, हम यहीं के रहने वाले हैं जी। आप लोग कितने समय से इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं जी? ये तो हम लोग यहाँ से तो हम लोग 30-40 साल से हम लोग का माँ पिता जी बस सब यहीं से हम लोग यही इसी रास्ता को इस्तेमाल करते हैं। इस रास्ते की अवस्था, जैसे कि आप और यहाँ के कई स्थानीय लोगों ने हमें संपर्क किया इस रास्ते के बारे में, दर्शकों को हमको बताने के लिए कहा, तो इस रास्ते को जो जर्जर अवस्था है, इस रास्ते के सबसे पहले नाम बताइए और ये जर्जर अवस्था कब से आप लोगों को देखने और जानने को मिल रहा है? ये रास्ता आपको स्टेशन वीआईपी रोड बोला जाता है इसको जी। इस रास्ता से हम लोग का स्टेशन का जो भी है, मंत्री हो, आम आदमी हो, जो भी हो, बहुत वीआईपी रास्ता ये जी। पर यहाँ पे वीआईपी जैसा क्या दिख रहा है आपको? वीआईपी जैसा तो अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं दिखा रहा है। इतना आप नेताजी मोर्स आगे ही में चले जाइए, आप
आपको डेली एक टोटो ऑटो पलटी होते हुए देखेगा, आदमी किसी का माथा फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, ऐसा प्राय डेली होते रहता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, किसको बोला जाएगा। तो इस रास्ते की जो शिकायत है या आसपास के जो काफ़ी यहाँ पे लोग बदहाल अवस्था में हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतें नज़र आ रही है, तो उन लोग क्या किसी तरह का कोई स्टेप नहीं लेते या किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करते? जी, हम लोग का यहाँ नेता के द्वारा एरिया ऑफिस भी किया गया है, एक डेपुटेशन भी दिया गया है, लेकिन रेलवे की तरफ से कोई सुनाई नहीं पड़ रहा है। जो भी हो रहा है यहाँ पे आम आदमी बहुत परेशान है, बहुत हालत ख़राब है, गाड़ी घोड़ा हर चीज़ का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एरिया ऑफिस को जाता है आदमी, डिपोटेशन दे देता है, एरिया ऑफिस वाला कोई काम नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं है। कितने समय से ये रास्ता अभी फिलहाल ख़राब आप लोग इस्तेमाल? मोटा मोटी 6-7 महीना से ख़राब है। मोटा मोटी कोई बड़ा रेलवे मिनिस्टर कोई यदि आया डीआराम तो रेफरिंग कर देता है, उसके बाद तो वही भैया रेफरिंग का तो जनपे करते, 1-1.5 महीना चला उसके बाद फिर खराब हो। ये रास्ता जो है वो अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्शन आता है या स्थानीय लोगों को दिक्कत होता है तो कब पूरी तरीके से मरम्मत होती है, जहाँ पर एकदम नए तरीके से नए परिमाने में जो बनती है वो कब बनाया जाता है, कुछ आइडिया है या कुछ जानकारी है इस बारे में? ये मोटा मोटी बुरी तरीक़ा से जब एक दफ़ा 1x1 जो ये कर रहा था उस टाइम बोल रहा था कि जो बनाया जाएगा, लेकिन फिर वो देखे 1x1 वो रेलवे का रोल लुआ हुआ था, उसको उठा के ले गया, ले जाने के बाद फिर मरम्मत रिपेयरिंग। पहले की बात है ये मोटा मोटी 1.5-2 साल पहले का बात है, यानी 1.5-2 साल के बाद अभी तक नहीं अभी वही रिपेयरिंग खाली चल रहा है, पूरा बुरी तरीका से फिनिशिंग काम नहीं हुआ, फिनिशिंग काम होने से इतना जल्दी बार बार थोड़ी टूटता है। अच्छा, तो और थोड़ा आप आगे बढ़ जाइए नेताजी मोड़ के इधर जाइए, रास्ता का बहुत बुरा हाल है, हमारे हिसाब से आप थोड़ा और आगे बढ़ जाइएगा तो अच्छा रहेगा, बहुत अवस्था ख़राब है बहुत रोड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सारी जानकारी, तो हमने देखा यहाँ पर यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति जो है वो जो यहाँ से आगे जा रहे हैं देख रहे हैं, वो व्यक्ति जो थे उन्होंने अपनी जो कहानी अपनी बातें जो यहाँ पर बताई, और आगे आप दिखाएंगे कि आगे यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करते करते तो किस तरीके की कठिनाइयों के साथ वो इस रास्ते से गुजर रहे हैं। ठीक सामने मंदिर और मस्जिद है, हम मंदिर मस्जिद को देखते हुए हम यहाँ पर रुके हुए थे और हमने यहाँ पर एकता का प्रतीक दिखाने की आपको कोशिश की, साथ साथ इस VIP रोड जो कि बिल्कुल VIP के नाम से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, इस अवस्था के साथ हमने इस रोड के बारे में जानकारी दी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि आगे भी जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा इसी तरीके से ख़राब है और आगे इस रास्ते की जो है बनाने की बहुत ज़रूरत है। हम यहाँ पे एक दुकानदार है, दुकानदारों से भी हम बातें करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस ख़राब और जर्जर रास्ते को लेकर। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं। दादा आप कहाँ के रहने वाले हैं? NGP के रहने वाले हैं। ये रास्ता कब से ख़राब है? ये रास्ता तो बहुत दिन से ख़राब है। किसी तरह की दिक्कत होती है रास्ता खराब? दिक्कत होता है यह ट्रक को लेकर, जितना ट्रक में जबरदस्ती दादागिरी ट्रक लगा के रहता है ना, इसीलिए दिकदारी होता है, रास्ता पर टूटता है, जो अच्छा जगह पर ट्रक लगा के रखता है टूटा जगह पर छोड़ कर रखता है, आदमी एक्सीडेंट भी होता है ट्रक के वजह से, यहाँ जितना भी ट्रक जो लगा है ना जबरदस्ती कब्जा करके रखा है मंदिर मस्जिद के बीच में कब्जा करके रखा है। आप लोगों किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन आप लोग देते नहीं है? ऑब्जेक्शन के देख के जो यहाँ का कमेटी जो है देख कर भी अंधा बना हुआ है ना, किसको बोलने के लिए जाए? इसको दोषी मानते हैं इस चीज़ के लिए? इस देश के लिए दोषी मानेंगे यहाँ का प्रशासन का जी। प्रशासन का क्या यहाँ पे बहुत ही प्रशासन सब चीज़ देख का अंधा बना हुआ है जी। तो किसी भी तरह का यहाँ पे मुआयना या यहाँ की स्थिति को जानने के लिए कोई आता नहीं? सब दोष प्रशासन का है यहाँ पर, प्रशासन का दोष है। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे, और हम एक दो और लोगों से बात करेंगे उनका क्या है, हम आपको दिखाएंगे कि सामने ठीक रोड के विपरीत यानी कि रोड के उस पार में यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या विचार है। आगे आप दुकान देख सकते हैं, उस दुकानदार यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए, उनसे जानते हैं कि इस रास्ता को लेकर उनका क्या विचार है, उनका क्या कहना है और वो किस तरीके से इस रास्ते का इस्तेमाल को होते हुए देखते आ रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग आप देख सकते हैं मौजूद हैं, हम इनमें से किसी से बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक जी। कहाँ के रहने वाले हैं? NGP जी। दादा यहाँ पे जैसे कि हमने देखा यहाँ पे रास्ता का हालत बहुत ख़राब है, VIP रोड के नाम से स्टेशन VIP रोड के नाम से जानी जाती है, क्या कहना है सर इस रास्ते के बारे में और किस तरीके से यहाँ पे इस रास्ते को जल्द से जल्द निर्माण होने का दावी करना चाहिए? ये रास्ता हर साल से इस साल सबसे ज़्यादा जर्जर बना हुआ है, इस रास्ता पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, इधर से बस्ती से आदमी बाजार जाता है, कभी कभार एक्सीडेंट भी हो जाता है यहाँ पे गड्ढे का वजह से, बहुत यहाँ पे झमेला भी होता है, बहुत आदमी को हम लोग बोलते हैं मगर कोई सुनता नहीं है, अगर आप लोग का माध्यम से कोई सुन ले तो रास्ता अगर बन जाए तो बहुत धन्यवाद होगा जी।
स्थानियों की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन को या आपके यहाँ के स्थानीय जो काउंसलर है या बाकी जो मेंबर है वार्ड के उनके हिसाब से क्या सोचते हैं आप लोग? काउंसलर तो हम लोग का यहाँ से जो हम लोग का टीएमसी से मतलब एक तो डिविजन दिया, तीन बार डिविजन दिया, मगर रास्ते का काम ही नहीं हो रहा है, सुन ही नहीं रहा, रेल प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। ये रास्ता किसके अंतर्गत में आती है? रेल का अंतर्गत आते हैं। रेल के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर इससे पहले की जो निर्माण वो भी रेलवे द्वारा ही हुई? हाँ, रेलवे द्वारा हुआ। तो रेलवे को यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर कुछ नहीं स्टेप लिया? स्टेप तो लेते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है। अभी रास्ता बनाना ऐसा पड़ा हुआ है कि रास्ता में चलना भी मुश्किल हो गया, डर लगता चलने में। हर दो दिन चार दिन में एक ना एक्सीडेंट होता ही। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से इस रास्ते को सुचारू रूप से बनाया जाए, निर्माण किया जाए, ताकि सुचारू रूप से ही इस्तेमाल में आ सके? अगर जल्द से जल्द रास्ता मतलब अच्छा तरीके से तैयार हो जाए, जैसे हर साल बनाना पड़ता है, ऐसा रास्ता बनता है हर साल इसको टूटता है, ऐसा बने कि कम से कम दो साल चार साल पाँच साल चले, हर साल एकदम जर्जर हो जाता रास्ता, और इस साल तो सबसे ज़्यादा खराब इस साल में। तो आपने देखा यहाँ के स्थानीय दो चार लोगों से हमने बात कराई, यहाँ पर हम आपको बताएंगे, यहाँ पे चाचा जी हैं उनसे हम बात कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मंदिर मस्जिद का जो कनेक्शन है उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पहले पूछते हैं कि मंदिर पहले बना था या मस्जिद पहले बना था, क्योंकि हमेशा से ये क्वेश्चन था मंदिर बनाएंगे मस्जिद बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों कैसे और किस तरह से बना, किस तरह से यहाँ पर आपसी मित्रता को लेकर यहाँ पर पूरी व्यवस्था को कायम किया गया है। दादा चाचा जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद जबील नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? यही के। थोड़ा सा हमें इस वीआईपी रोड की अवस्था तो हमें काफ़ी ख़राब लगी, वीआईपी जैसा बिल्कुल लगा नहीं, लेकिन मंदिर मस्जिद वाला जो कनेक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। इसके बारे में हम लोग को यहाँ बहुत भाईचारा अच्छा है ना, हम लोग का मंदिर में कोई पूजा होता तो हम लोग को इनवाइट करता, हम लोग भी जाते हैं, और हम लोग के यहाँ कोई पर्व होता है, पर्व का कोई अनुष्ठान होता है, वो लोग का करते वो लोग भी खड़ा आता है, हम लोग में दोनों का भाईचारा है, हम लोग को कोई पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इससे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप नाम पकड़ पूछिएगा तभी पता चलेगा ये हिंदू है ये मुसलमान है, इस तरह आप पकड़ नहीं पाएगा ये कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, जब तक मान नाम नहीं पता चलेगा। और हम लोग के यहाँ इसका बहुत बड़ा एक मैसेज है पूरे भारत के लिए कि हम लोग का यहाँ का हाँ मैसेज है कि इसको देख के हर आदमी देखे, हिंदू मुसलमान आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं टीवी पर हिंदू है मुसलमान है भंग करने के लिए, और यहाँ वो चीज़ नहीं है, न हिंदू में है न मुसलमान में, हम लोग को कोई पता ही नहीं चलता, शादी ब्याह हम लोग एक संग हम लोग खाते हैं, हर चीज़ मरनी हरनी शादी ब्याह हर कुछ हम लोग मने एक समाज भाईचारा के तरह एकता बना के हम लोग को पता ही नहीं चलता है। ये एक संदेश, अच्छा संदेश यहाँ से जा रहा है, अच्छा संदेश देना जी पूरे भारत में कि संदेश टू ले यहाँ का देख के और आदमी सीखे ताकि यहाँ पर कैसे बसोबास कर रहा, इसी का उदाहरण हम देने मांगते हैं कि हम लोग का दोनों सटा हुआ है, ये भी मंदिर है मस्जिद है, फिर ये भी मंदिर है, ये काली मंदिर है, ये जो घेरा हुआ इसके अंदर काली मंदिर है, बीच में मस्जिद है, बीच में मस्जिद है, हम लोग आज तक कोई एक तो विवाद नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं आगे भी किसी भी तरह की कोई विवाद नहीं होगी, और यहाँ के लोगों में काफ़ी भाईचारा हमें देखने को मिला, यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बातें कराई, सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी कि क्या कुछ इस मंदिर को लेकर है, और साथ साथ सड़क के बारे में जो है पूरी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन हमारे इस संदेश को और इस हमारे जो यहाँ के जो भी समस्या को हमने दिखाने की छोटी सी प्रयास की है, हम चाहते हैं कि लोग अपने सामान्य ज़िंदगी में सामान्य तरीके से जीते रहें, और जो उनकी जो रास्ते की जो इस्तेमाल है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है उसे सुचारू रूप से हमेशा से चलती रहे और उसकी सुविधाएं बनी रहे, ऐसा हम हमेशा सरकार से उम्मीद करते हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो या इस तरह की जो संदेश या जो मैसेज हम बाकी लोगों को देना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस रास्ते का निर्माण जल्द से जल्द होगा और ताकि एनजीपी के आसपास के लोगों को इस रास्ते का सुचारू रूप से लाभ मिलेगा। इसी तरह की छोटी तमाम कोशिशों के साथ हम अमर शाह और खबर आजकल हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा रहता है, उम्मीद करते हैं आपके आसपास की किसी भी तरह की समस्याओं को हमसे आप छुपाएंगे नहीं, हमें बताएंगे और हम उस समस्या को आप सभी के सामने उजागर करेंगे ताकि प्रशासन लगातार उस चीज़ों को अपने नॉलेज में रखे और जितना संभव हो सके आम जनता के मदद के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। तो इसी दो चीज़ यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता और साथ साथ इस रोज की समस्या के लिए हम आप सभी के साथ जुड़े थे, आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं अमर शाह आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।